सबक नंबर 9 तारीखी विरसे का तहफ्फुज। आइए तलबा अब हम तारीखी वाखस के दर्जाबंदी में जबानी वाखस को समझने की कोशिश करेंगे। जबान के जरिए कहा और बोला जाने वाले वाखस को जबानी माखस कहते हैं। मसलन अवामी गीत, कहानी, रिवायती गीत, किस्से, वाक्यात तहरीर करके इसका तहफ्फुज करना ये जबानी माखस कहलाता है। अक्सर आपने अवामी गीत नाच जो हमारी पुरानी तहजीब में चले आ रहा है इसे देखा होगा। कुछ पुराने राजा महाराजाओं की कहानियाँ, किस्से और उनके वाक्यात भी रसाइल और मैगजीन की शक्ल में आज हमारे मौरखीन ने हम तक महफूज किया है। इसे हम जबानी माखस का तहफ्फुज कहेंगे। इसी तरह दूसरा है तहरीरी माखस। तहरीरी माखस पुराने जमाने के लिखे हुए दस्तावेजात हैं। मसलन पहले जमाने में राजा महाराजा लोग जो दरबारी दस्तावेज अपने वजीर या संदेश पहुंचाने वाले के पास देते थे उसे जो कलमों से और पत्र पे लिखा जाता था, ये चीज़ें आज भी हमारे मौरखीन ने उसको उसे हिफाजत से रखा है। जिसमें निजी खतूत, रोजनामचे, तारीखी किताबें, कुछ कुतुब खाने, तांबे की तख्ती और कुछ कलम वगैरह खत मौजूद हैं। इसका तहफ्फुज आज हमें अजायब घरों में देखने को मिलता है। इसी तरह तबाई माखस। तबाई माखस में हम देखेंगे पुराने जमाने की इमारतें, कदीम अशिया, ज़खीरा अंदोजी। मसलन कदीम अशिया की सफाई, आसार कदीमा के खुदाई के दौरान जो चीज़ें हमें पत्थर, मादनियात, धातें, चीनी मिट्टी, ये सारी चीज़ें मिली हैं, इनकी साफ सफाई करके रखना, उनकी देखरेख करना ताकि वो सदियों तक चलते रहे और हमें तारीख का मुताला होते रहे, इसका भी मौरखीन ने तहफ्फुज किया है, इसे भी आज भी बचा के रखा हुआ है। तो इस तरह हमारे मौरखीन ने तारीखी विरसों की हिफाजत की।